मेरा नाम डॉक्टर अमित प्रजापति है। मैं सिम्स हॉस्पिटल में एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। मैं सिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट को आईसीयू रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकली ईल होते हैं, वो मेरी देखरेख में आईसीयू में एडमिट होते हैं। लोगों में वेंटिलेटर यानी कि सांस लेने की जो मशीन होती है उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है, तो मैं आज आपको वेंटिलेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। सिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं उसमें से करीबन 60-70% पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, मगर उसके बारे में बहुत सारे मीथ है कि पेशेंट को एक बार वेंटिलेटर पर रख दिया तो हम पेशेंट को बचा नहीं सकते। 10-15 सालों में वेंटिलेटर की ट्रीटमेंट में बहुत सारे बदलाव आए तो हम उससे वेंटिलेटर से पेशेंट की जान बचा सकते हैं। पहले मैं वो आपको बता दूँ कि हम किस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं, कि जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, हृदय बंद हो जाता है, हृदय वीक हो जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया है पेशेंट को अस्थमा है, दम की बीमारी है, पेशेंट को स्वाइन फ्लू हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट अपने आप सांस नहीं लेने पाता तो हमें उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। या फिर पेशेंट को मेजर एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट बेहोश हो गया है, पेशेंट के दिमाग में कई बड़ी चोट लगी है, हेमरेज हुआ है, लकवा हुआ है, तो उस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने के बाद हम पेशेंट की बॉडी को सपोर्ट देते हैं और उसके बाद जब भी प्राइमरी बीमारी कवर होने लगती है तब धीरे धीरे करके हम पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल देते हैं। सो सिम्स हॉस्पिटल में हमने अभी तक वेंटिलेटर से बहुत सारे पेशेंट को बचाया हुआ है, और जो भी नहीं बाहर आ सकते उनकी बीमारी इतनी गंभीर होती है कि उसमें हम कुछ कर नहीं पाते, तो वेंटिलेटर से डरिए मत। जब भी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो डॉक्टर को सहकार दे और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने दे, तो हम पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकते हैं। वेंटिलेटर के भी कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं मगर उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और सिम्स हॉस्पिटल में हमारे पास अति आधुनिक वेंटिलेटर है जिससे हम बहुत सारे पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थैंक यू।